तो जो गाड़ियों के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है आजकल, डबल ट्रिपलिंग है। ये हमारा गांव ओलेत है सामने, और जो उसके नीचे है वो है आपका ब्यूरा, ब्यूरा तल्ले मंडे। और उधर देखो यहाँ पर आप, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी यादें और पहाड़ की बातों में। और आज मैं हूँ आपके साथ पहाड़ों की सैर। दोस्तों, पहाड़ी यादें यानी कि पहाड़ों की यादें, और पहाड़ों की जो यादें होती हैं वो सुंदर से खेत, पेड़ पौधे, जानवर। और आजकल हम गए हैं अपने पहाड़ों में, लॉकडाउन चल रहा है। दोस्तों, पहाड़ी जीवन, पहाड़ी लाइफ स्टाइल कैसे होती है वो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दूर तक देख रहे होंगे आप, सुंदर से खेत हैं, बहुत ही गजब का रास्ता है। और आज हम जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैं अपने ससुराल से अपने गांव जा रहा हूँ। और बताना ये चाहता हूँ आपको कि काफ़ी आज से 20-25 साल पहले, जब सड़कों का मतलब कम प्रचलन था, लोग गाड़ियों से कम जाते थे, तब आप इसी तरह से पैदल जाया करते थे। बेटा हाय करो, ऐसे ही आप पैदल जाया करते थे। कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा आपको, और उसका जो एक्सपीरियंस होता था पैदल जाने का, सुंदर से खेत, और दूर दूर तक देखो आपको गांव दिखाई देंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता था, चलने में मज़ा आता था। आज वो दिन दोबारा लौट आए हैं पैदल चलने का। क्यों पैदल क्यों चलना है वो जरूर पड़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, बसेस बंद है यहाँ पर। तो जैसे बहुत पहले पैदल जाया करते थे, वैसे आजकल भी पैदल जाना आना हो रहा है। बहुत दूर आपका अगर आना जाना है तो प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, और अगर आपको नज़दीक में भी जाना है तो जो गाड़ियों के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है आजकल, डबल ट्रिपलिंग है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। खैर, पैदल चलने का एक्सपीरियंस देखो कितना अच्छा है कि दूर तक देखो सामने ITI दिख रहा है, ITI सल्ड महादेव, तो कितना प्यारा लग रहा है। साथ में आप देखो, ये हमारा गांव है ओलेत ऊपर, ये जो गांव दिख रहा है ये हमारा गांव ओलेत है सामने, और जो उसके नीचे है वो है आपका ब्यूरा, ब्यूरा तल्ले मल्ले। और उधर देखो यहाँ पर आप गांव एक दूसरा है जो कि क्यारकी है, इधर आप देख सकते हैं रिंगल्टा और ये किनात वगैरह यहाँ पर हैं, बनासी वगैरह हैं। तो और वो नैनी डांडा, कितना सुंदर मौसम, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, ये खिरेलीखा लदालीखा आ गया। और वहाँ पे देखो कितने सारे गांव दिख रहे हैं, पैदल चलने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही गजब। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पैदल चलने का एक्सपीरियंस लास्ट टाइम कब हुआ पहाड़ों में, और पहाड़ों में चलने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही आनंददायक यहाँ पर रहता है। और चलते चलते हम पहुँच गए बहुत ही गजब एक प्यारी सी जगह, और ये है सल्ड महादेव, भगवान सल्डेश्वर की कृपा दृष्टि यहाँ पर होती है। और कितना अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ नदी है। तो पहाड़ों पर पैदल चलने का जो अपना एक मज़ा है, आनंद है, ये देखो रास्ते टेढ़े मेढ़े, यहाँ से जाएंगे उधर और वहाँ से इधर आएंगे, बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। दूर देखो आप तो दिल खुश हो जाता है, और कितने सुंदर बादल लगे हुए हैं। और फाइनली हमारा जो पैदल का सफ़र है वो थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है, इसमें थकान ज़रूर होती है, लेकिन मज़े बहुत आते हैं पैदल चलने में। और हम पहुंच चुके हैं सल्ड महादेव, जो कि ये है झूले का पुल। तो झूले का पुल, इसका भी एक अलग ही रिकॉर्ड है, अलग ही स्वरूप है, अलग ही नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा। और ये हमारी बुआरी, जो कि हम चल रहे हैं अपने ससुराल से, ये अपने मायके से ससुराल आ रही है, और ये झूले का पुल बहुत ही गजब का है, झूला यानी कि झूलते हैं इसमें,
तो ये देखो क्या गजब पुल है, ये बहुत दूर तक मज़ेदार इसमें झूलने में, और साथ में आप देखो इसके नीचे पानी भी है, आप देख सकते हो ये नदी, तो इसके नीचे नदी बहती है, नदी में नहाना, मछली मारना, मछली पकड़ना और बहुत कुछ यहाँ पर इंजॉय, बहुत ही प्यारा नज़ारा। कैसा लग रहा है आपको मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहाड़ी लाइफस्टाइल को धन्यवाद।